मुरादाबाद में गांव को सीधे शहर से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण का कार्य जिस तेजी से चल रहा है, लेकिन उसी तेजी से सड़क बनाने और रिपेयरिंग के नाम पर लाखों रुपए हड़पने का मामला भी सामने आ रहा है। एक विभाग ने गांव की सड़क बनवाने का टेंडर निकाला तो उसी समय में दूसरे विभाग ने उसी सड़क की रिपेयरिंग का टेंडर लाखों की राशि का निकाल दिया। मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया है। सड़क बनवाने वाला विभाग अधिकारी सड़क बनवाने की पूरी बात बता रहा है तो उसी सड़क के लाखों रुपए में रिपेयरिंग करने वाले विभाग चुपचाप बैठा है। जब पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता से इस बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे विभाग के बामनिया पट्टी से सरकड़ा तक की सड़क बनवाई है। पीछे की सड़क ग्रामीण अभियंता द्वारा बनवाई गई, उस पर हमारे द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है, जबकि टेंडर में मरम्मत का कार्य पिलकपुर से बामनिया पट्टी दर्शाया गया है। अधिशासी अभियंता कोई संतोषजनक बात ना बताते हुए जांच की बात कही है। दरअसल मामला मुरादाबाद के डिलारी विकास खंड में आने वाले गांव पिलकपुर से बामनिया पट्टी तक की बनाई सड़क का है। यह सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण अभियंत्र सेवा विभाग द्वारा बनवाई गई है, जिसका नियम अनुसार टेंडर 29 दिसंबर 2017 को निकाला गया और सड़क बनवाने का कार्य 28 मार्च 2018 को पूर्ण किया गया है, जिसका बोर्ड भी विभाग द्वारा संपूर्ण जानकारी के साथ लगा दिया गया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि 20 मार्च 2018 को लोक निर्माण विभाग ने भी बामनिया पट्टी से पिलकपुर की सड़क की मरम्मत का टेंडर निकाल दिया गया, यानी अभी ग्रामीण अभियंत्र सेवा द्वारा बनवाई जा रही सड़क के बनने में 8 दिन बाकी हैं और पीडब्ल्यूडी द्वारा भी उसी सड़क की मरम्मत का टेंडर 43 लाख रुपए की लागत का निकाल दिया गया। जब सड़क निर्माण के इस मामले की जानकारी ग्रामीण अभियंत्र सेवा के सहायक अभियंता से ली गई तो उन्होंने बताया कि ये सड़क उनके विभाग द्वारा 19 लाख की लागत से बनवाई गई है, जिसका बोर कार्य प्रारंभ होने वाले स्थान पर लगा हुआ है। सड़क अब पीडब्ल्यूडी को सौंप दी गई है। उन्होंने इस बाबत अभिलेख भी दिखाए। अजीत जी, आप यहाँ के प्रधान हैं, हैं? कौन से एरिया लगता है आपके प्रधानी में? ये लगता है फतनपुर, और हम जो इस समय खड़े हैं क्या ये भी एरिया आपका है? हाँ, बिल्कुल बमनिया। अच्छा, एक ये है जहाँ मेन रोड से हम अंदर की तरफ आए हैं, ये वाली सड़क कितने साल पुरानी होगी? लगभग ये तो काफी पुरानी होगी। हाँ, उसके ऊपर फिर जो बनी है? हाँ, दोबारा बनी, एक साल पहले बनी है, 2018 में बनी है इसमें। अच्छा, उस पता है किस संस्था ने बनाया, किस डिपार्टमेंट ने बनाया? जानकारी नहीं है। क्या आज प्रधानमंत्री योजना से बनी है? वो भी प्रधानमंत्री योजना से। अच्छा, दो डिपार्टमेंट होते हैं, पीडब्ल्यूडी आरईएस ग्रामीण अभियंता सेवा। मुझे पूरी जानकारी इस बारे में नहीं है, लेकिन हो सकता है, जहां तक मेरी उम्मीद है, प्रधानमंत्री योजना से ही बनी होगी। अच्छा, तो क्या सांसद साहब ने बनवाई है? क्या आपके संज्ञान में नहीं आती जब रोड बनती है? मुझे जानकारी नहीं है पूरी, मैं आपसे कह लूंगा। जी, डिपार्टमेंट ने एक सड़क बनाई पीलकपुर से बमनिया तक, जिसकी लेंथ थी 2.57। आपके द्वारा बनाई गई, रोड बनाने का क्या प्रोसीजर है और कितनी गारंटी होती है रोड की? ये हमारे यहाँ जो है रिन्यूअल में इसका कार्य किया गया था, 20 mm थिक PMC का इस पर प्रोविजन था और इसका एक साल का DLP है, डिफेक्टिव लाइबिलिटी पीरियड। एक साल बाद फिर हमने इसको PWD को ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, क्या पूछ सकते हैं जो रोड आप बनाएंगे क्या उसके अंदर PWD जैसा कोई और विभाग भी इंटरफेयर कर सकता है? नहीं नहीं, इंटरफेयर अब जब कर सकता है जब हम उनको ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर से पहले तो हमारे पास है वो, जैसे ही बनाने के बाद हमने उनको ट्रांसफर की DLP के बाद, उसके बाद वो ट्रांसफर उसको कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आरईएस ने इस रोड का निर्माण किया, तो इसकी कुछ गारंटी कंपनी द्वारा दी जाती होगी या कोई मानक होंगे आपके? हमारी जो PMJSY में जो रोड बनती है, जो नई सड़कें बनती हैं, उनकी तो 5 साल की मेंटेनेंस ठेकेदार करता है, और 5 साल के बाद जो रिन्यूअल में हम करते हैं इनको, तो उसकी गारंटी 1 साल की है। तो 1 साल तक वो ठेकेदार उसके पैच वगैरह ठीक करेगा और 1 साल के बाद फिर हम उसको PWD को हैंड ओवर कर देते हैं। कोई दूसरा डिपार्टमेंट इसी रूट का टेंडर कर देता है, वो भी बना देता है, उसका पेमेंट हो जाता है, क्या ये हो सकता है? नहीं नहीं, ये तो संभव। जब रोड जब तक उनको हम हैंड ओवर नहीं करेंगे, तो हैंड ओवर करने के बाद वो कर सकते हैं जो भी करेंगे, लेकिन टेंडर क्यों करेंगे वो, जब काम बना हुआ है, सही किया हुआ काम है, तो उस पर तो नहीं करना चाहिए। मामला ये आया है ठाकुर द्वारा रोड पर, पीलकपुर एक स्थान है और अंदर लिंक रोड जाता हैगा वो, और बमनिया पट्टी से लेकर के एक टेंडर होता है और उसकी देखने में यह आएगा कि पहले तो आरईएस ने रोड बना दी और फिर वही टेंडर पीडब्ल्यूडी ने जारी कर दिया, तो क्या आपके संज्ञान में है आपका मामला? देखिए, इसमें इतना मेरी जानकारी में है कि दो सड़कें एक आरईएस ने जो बनाई, उसके आगे का भाग पीडब्ल्यूडी ने बनाया है,
ठीक है, और जो आरएस ने बनाया है उस पर पीडब्ल्यूडी ने कोई काम नहीं कराया, पीडब्ल्यूडी ने अलग कार्य कराया है और आरएस ने अलग कार्य कराया है। पीडब्ल्यूडी ने जो कार्य कराया है वो कौन सी जगह है? पीडब्ल्यूडी ने कार्य जो कराया है बबनिया पट्टी से आगे सड़क गई है, सरकड़ा की तरफ आगे की तरफ गई हुई है। उसका टेंडर कब निकला? टेंडर कब निकला? टेंडर तो मार्च 18 निकला था। लेकिन उसमें तो बमनिया पट्टी से लेकर पीलकपुर तक का है वो टेंडर जो निकाला है वो आपने? वो नहीं, टेंडर निकला लेकिन रोड के वही दो भाग हैं, क्योंकि पहले ये आधा भाग आरएस के पास है और आगे का जो भाग है वो पीडब्ल्यूडी के। लेकिन आगे का आप जो बता रहे हैं वो नहीं है, वो महेशपुर से और सरकड़ा तक सड़क बन रही है। तो दोनों टेंडर से है बमनिया पट्टी वाले, इसके अंदर आरईएस का और आपके रेटों में बहुत ज्यादा दुगने का फर्क है, ये क्या वजह हो सकती है? नहीं, रेट तो शेड्यूल के जो पीडब्ल्यूडी का शेड्यूल है उसके अनुसार ही होते हैं, और जब भरत वाली बात है शेड्यूल के अनुसार ही होते हैं, उसके बाद जो टेंडर होता है। आईएएस का कहना है कि हमारे रेट में और पीडब्ल्यूडी रेट में, जबकि जो रेट है उसमें पीडब्ल्यूडी के रेट कम होते हैं, हमारे रेट जाते होते हैं, फिर भी उसके बावजूद उस सड़क को बनाने में आपका रेट जो है वो ज्यादा है, जस्ट डबल है उसकी कीमत। ऐसा है ना, रेट एक है तो रेट चीज है, क्वांटिटी चीज है, ठीक है ना। अमाउंट जो आएगा रेट को और क्वांटिटी को दोनों को मिला के आएगा, तो रेट जो है, रेट तो पीडब्ल्यूडी का एक शेड्यूल है, उसी के अनुसार लिए जाते हैं। अच्छा, अगर ये गलती पाई जाती है तो ये विभाग की होगी या ठेकेदार की होगी ये गलती है? इसमें जो भी जिसकी गलती होगी उसमें कवर कर लीजिए। अच्छा, जो अगर गलती निकली आई है सड़क का तो क्या उसका पेमेंट का रिकवर होगा उस विभाग से? नहीं, पेमेंट रिकवर तो तब होगा जब जो कार्य गलत होगा या कार्य नहीं किया गया होगा। नहीं, वही तो पूछ रहे, गलत हुआ तो कार्रवाई करेंगे। अच्छा, टेंडर गलत निकला है या कार्य गलत हुआ है, अगर जो हम बता रहे हैं अगर इस तरीके का है तो ये इसमें चेक करेंगे कार्य गलत हुआ है क्या, क्योंकि टेंडर कार्य तो सही हुआ है जिस तरह से कार्य जो टेंडर निकलते हैं उसमें जो डिस्टेंस होती है उसको चिन्हित कराया जाता है, उसको लिखा जाता है टेंडर में, यानी कहां से कहां तक टेंडर में रोड का मार्ग लिखा जाता है, लैंडमार्क दिया जाता है कि कहां से कहां तक है ये टेंडर में, क्योंकि एक आरएमआर बनाई जाती है, आरएमआर का दिया जाता है। कार्यदायी संस्था कौन है? कार्यदायी संस्था तो पीडब्ल्यूडी है। किस ठेकेदार ने कराया, कोई कंपनी है कि कोई फर्म है? पीडब्ल्यूडी का कार्य तो हसनी ठेकेदार। क्या नाम? हसनैन अली ठेकेदार। फोटो भी ले लूंगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।